उद्धव ठाकरे को अब महाराष्ट्र की जनता ने भी नकार दिया है। राज्य के पंचायत चुनाव के नतीजे बताते हैं कि उद्धव ठाकरे कैंप ने जनता के बीच अपना भरोसा खो दिया है और लोग शिंदे की अगुवाई वाले खेमे को ही असली शिवसेना मानने लगे हैं। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे का खेमा पंचायत चुनाव में खिसक कर चौथे नंबर पर चला गया। पंचायत चुनाव में भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 272 में से 82 सीटें जीत ली और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दूसरे नंबर पर एनसीपी रही, तीसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे गुट रहा, तो उद्धव ठाकरे चौथे नंबर पर खिसक गए। कांग्रेस सबसे फिसड्डी रही। गठबंधन के लिहाज से भाजपा और शिंदे गुट मिलाकर कुल 122 सीटों के साथ पहले स्थान पर कब्जा कर लिया है, जबकि 102 सीटों के साथ महाविकास अघाड़ी दूसरे नंबर पर रहा। 33 ग्राम पंचायतों के चुनाव निर्विरोध हुए। कुल 271 सीटों में भाजपा 82 सीटों के साथ पहले नंबर पर रही। एनसीपी को 53 सीटें मिली, तो शिवसेना का शिंदे गुट 39 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट को 28 सीटों पर ही सफलता मिल पाई। पांचवें नंबर पर कांग्रेस रही है, जिसके खाते में कुल 22 सीटें आई हैं। खास बात यह है कि अन्य का आंकड़ा 47 रहा, जो संख्या के हिसाब से तीसरे स्थान पर माना जा सकता है। अगर इन आंकड़ों को क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो मराठवाड़ा में शिवसेना के शिंदे गुट का बोलबाला रहा। धुले और औरंगाबाद में शिंदे गुट ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की और उद्धव खेमे पर बढ़त बनाई। शोलापुर में भाजपा ठाकरे खेमा और स्थानीय पार्टियों का त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, जबकि बीड जिले में एनसीपी आगे रही। यहां भाजपा ने दूसरा स्थान हासिल किया। उद्धव ठाकरे गुट पुणे में एक तरफा जीत हासिल करने में सफल रहा। इन चुनाव में मिली सफलता पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने इन चुनावों को ठीक से तैयारी भी नहीं की थी, फिर भी हमें और हमारी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।